राजस्थान में कोरोना योद्धाओं पर हो रहे हमलों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चिंता व्यक्त की है। टोंक में हुई घटना के बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। राठौड़ ने सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों से ही नुकसान की वसूली करने और उन पर NSA तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम आदि के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई है। राजस्थान में कोरोना योद्धाओं के साथ जो हो रही हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। ये 8वीं घटना थी जब हाल ही में टोंक में हमारे जो पुलिस कर्मी थे, सफाई कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी के ऊपर मारपीट करी गई थी। मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार से कि कृपया करके ये जो जंग हमारे लिए हमारे पुलिस कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे स्वच्छता के कर्मचारी लड़ रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। ये हमारी जंग है। शायद इसका अंदाजा हमें तभी हो सकता है जब हम स्वास्थ्य कर्मी के भेष में हम ऐसे संवेदनशील इलाकों में जाएं और जाकर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, जो पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं, वही काम करें बिना किसी एक्स्ट्रा सुरक्षा के। तब हमें एहसास होगा कि ये कितना मुश्किल काम है और वो काम वो पूरी राजस्थान की जनता के लिए कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि ऐसी किसी हिंसा पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और जो ये हिंसा कर रहे हैं उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप उन पे कार्रवाई कीजिए। साथ ही जो भी नुकसान हो रहा है सरकार की संपत्ति का, जनता की संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है वो उन लोगों से